हेलो फ्रेंड, मेरा नाम है कृष्णा। स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल साइनिंग ज्ञान में। दोस्तों, इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूँ व्हाट्सएप से रिलेटेड कुछ टिप्स। जी हाँ दोस्तों, व्हाट्सएप में कुछ नया टिप्स आने वाला है, जो जिससे यदि आप व्हाट्सएप यूज करते हैं तो आप ये वीडियो आपके लिए है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले दोस्तों, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर और कर दीजिए, क्योंकि हमारे चैनल पर आपको ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो देखने को मिलेगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। और हाँ दोस्तों, वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला आपके लिए। ठीक है, यदि आप व्हाट्सएप यूज करते हैं तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, व्हाट्सएप ऐप नया साल शुरू होने पर पुराने ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए अपना स्पोर्ट बंद कर देता है। ठीक है, और हर बार की तरह इस बार भी कंपनी ने अब मैसेजिंग ऐप ने फिर से लिस्ट जारी की है कि नए साल की शुरुआत यानी 1 जनवरी 2021 से व्हाट्सएप कुछ पुराने एंड्रॉयड फ़ोन और आईफोन पर काम करना बंद कर देगा। जी हाँ दोस्तों, यदि आपके पास में कोई पुराना एंड्रॉयड फ़ोन है या आईफोन है पुराना वर्जन का, तो उस पर बंद कर देगा व्हाट्सएप काम करना। ठीक है, तो आगे वीडियो में जानेंगे कि वो कौन सा मॉडल है। ठीक है, रिपोर्ट की माने तो दोस्तों, iOS 9 और एंड्रॉयड 4.0.3 ऑपरेटिंग सिस्टम जो है नीचे के स्मार्टफोन, इससे जो नीचे स्मार्टफोन है उस पर व्हाट्सएप काम करना बंद कर देगा। ठीक है, व्हाट्सएप का सपोर्ट पेज यूजर्स को ऑपरेटिंग सिस्टम के लेटेस्ट वर्जन का इस्तेमाल करने की सलाह देता है। जो व्हाट्सएप है वो उसमें लेटेस्ट वर्जन का सलाह देता है। ठीक है, आप मेरे लेटेस्ट वर्जन यूज कीजिए, जिससे कि वह सारे फीचर्स का इस्तेमाल कर सके, जिससे उनका जो सारा फीचर है उनका इस्तेमाल कर सकते हैं। iPhone 4S, iPhone 5S, iPhone 5C, iPhone 6, iPhone 6S में अगर आप पुराना सॉफ्टवेयर है तो उन्हें आप जल्दी से अपडेट कर लीजिए। ठीक है, अपडेट करने के बाद इन आईफोन मॉडल में व्हाट्सएप चलाया जा सकेगा। एंड्रॉयड स्मार्टफोन की बात करें तो एंड्रॉयड 4.0.3 से भी पुराने वर्जन पर चलने वाले स्मार्टफोन पर व्हाट्सएप का सपोर्ट नहीं मिलेगा। ठीक है, जो एंड्रॉयड 4.0.3 इससे पुराना जो वर्जन है एंड्रॉयड का, उस पर व्हाट्सएप जो पूरी तरह से बंद हो जाएगा। ठीक है, बंद हो जाएगा पुराने जो उसमें बंद हो जाएगा। ठीक है, इसमें जो दोस्तों है, जो मोबाइल है HTC डिजायर, LG, ऑप्टिमस ब्लैक, मोटोरोला, सैमसंग गैलेक्सी S2 जैसे मॉडल शामिल है। जो मॉडल बताए ये सब मॉडल है जिसमें व्हाट्सएप पूरी तरह से बंद हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद बताते चले कि दोस्तों, व्हाट्सएप समय समय पर ऐसा करता है कि वो नया अपडेट लाता है अपने फीचर में। ठीक है, ऐसे में पुराने वर्जन के सॉफ्टवेयर में सपोर्ट देना कंपनी के लिए संभव नहीं हो पाता है। जो पुराना फ़ोन है इसमें सपोर्ट देना कंपनी के लिए संभव नहीं हो पाता, इसीलिए वो नया अपडेट लाता है। ठीक है, सिक्योरिटी पेज की वजह से कई बार कंपनी सलाह देती है कि पुराने वर्जन के सॉफ्टवेयर पर चलने वाले स्मार्टफोन जो है यूज ना करें, जो पुराने वर्जन पर चलता है उसे यूज ना करें। इसलिए आपके पास अगर पुराना आईफोन या एंड्रॉयड स्मार्टफोन हो तो सेटिंग पर जाके अपडेट चेक करें। यदि आपके पास पुराना एंड्रॉयड फ़ोन है या है तो उसे पहले जाके अपडेट करें। ठीक है, अगर आप नहीं जानते कि दोस्तों अगर आप नहीं जानते कि मोबाइल को कैसे अपडेट किया जाता है, ठीक है, तो मैं आपको बताऊँगा। तो यह जानने का तरीका बहुत आसान है। ठीक है, इसके लिए आपको अपने आईफोन या एंड्रॉयड की सेटिंग पर जाना होगा। यदि आपके पास एंड्रॉयड है या तो एप्पल का सेट है, तो इसके लिए आपको सेटिंग पर जाना होगा। सेटिंग पर जाने के लिए जो आईफोन यूजर है उसके लिए सबसे पहले सेटिंग पर जाएँ, फिर जनरल पर टैप करें, इन्फॉर्मेशन पर जाए, आपको अपने आईफोन के सॉफ्टवेयर डिटेल मिल जाएंगे। ठीक है, इसी तरह दोस्तों, यदि आप एंड्रॉयड यूज़ करते हैं तो सबसे पहले आपको सेटिंग पर जाना होगा। सेटिंग में जाने का आपको अबाउट फ़ोन में जाकर आप अपना ऑपरेटिंग सिस्टम को चेक कर सकते हैं। ठीक है, यदि आपका अपडेट नहीं है तो आपको नया मोबाइल लेना होगा। ठीक है दोस्तों, यदि आपके मोबाइल में ये सब सपोर्ट नहीं करता तो आपको व्हाट्सएप यूज़ करने के लिए एक नया मोबाइल लेना होगा। ठीक है दोस्तों,